नमस्कार दोस्तों, संसद में 3 क्रिमिनल लॉ बिल्स को पास कर दिया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने दावा किया है कि ये सभी बिल 150 साल पुराने कानूनों को रिप्लेस करेंगे और इंडियन लॉ सिस्टम को और भी ज्यादा ह्यूमेन बनाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि पुराने कानूनों में 400 से ज्यादा बार ब्रिटिश क्राउन का जिक्र है, जो गुलामी की मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कानूनों में प्रायोरिटी किसी महिला की सुरक्षा नहीं, प्रायोरिटी खजाने की रक्षा करना था और ब्रिटिश ताज की रक्षा करना था। ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे, एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। बिल्स की अगर बात करें तो संसद में पास हुए बिल्स में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, जो बताता है कि कोई भी एक्ट क्राइम कब कहलाएगा और अगर वो एक्ट क्राइम है तो उसकी क्या सजा होगी, अब उसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। इसके अलावा सीआरपीसी भारतीय सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य संहिता कहलाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय न्याय संहिता क्या है और ये पुराने कानून यानी आईपीसी से किस तरह से अलग है। बता दें कि मॉनसून सेशन में भी इस बिल को लाया गया था और उसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, इसके बाद दोबारा इसे री इंट्रोड्यूस किया गया है और अब ये बिल संसद में पास हो गए। आईपीसी में अगर देखें तो कुल 576 सेक्शंस थे, जो अब नए लॉ में घटकर सिर्फ 358 रह जाएंगे। इसमें लगभग 175 सेक्शंस को मॉडिफाई किया गया है, 8 नए प्रोविजंस को ऐड किया गया है और 22 सेक्शंस को हटाया गया है। इसके अलावा 20 नए क्राइम्स को भी जोड़ा गया है और 33 ऐसे क्राइम्स हैं जिनमें सजा को बढ़ाया गया है। नए प्रोविजंस की बात करें तो इसमें कहा गया है कि कानूनों को जेंडर न्यूट्रल और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। नए प्रोविजंस में मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम्स को भी डिफाइन किया गया है, इससे पहले आईपीसी में ये प्रोविजन नहीं था। इसके अलावा गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर द एज ऑफ 18, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना शादी के झूठे वादे के साथ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म और स्नैचिंग जैसे क्राइम्स को भी डिफाइन किया गया है। बात करें टेररिज्म की तो इससे पहले आईपीसी में टेररिज्म की बात नहीं की गई थी। इसके लिए हमारे देश में एक अलग कानून एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, लेकिन सरकार ने इस नए बिल में उसे ऐड किया है और भी ज्यादा आसान तरीके से बताने की कोशिश की है कि टेररिज्म क्या होगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी भारत की अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे आतंकवाद कहा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति देश के करेंसी नोट्स या कॉइन्स के जाली करेंसी निकालता है तो इसे भी आतंकवाद माना जाएगा, क्योंकि ये देश की आर्थिक सुरक्षा और मॉनेटरी स्टेबिलिटी पर प्रहार होगा। टेररिज्म में मिलने वाली मैक्सिमम सजा को फांसी की सजा रखा गया है। इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है मान्यवर, इसकी व्याख्या की है, क्या की है, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के रेप के मामले में आजीवन कारावास या डेथ पेनल्टी को भी जोड़ा गया है। साथ ही जिसके साथ किसी भी तरह का यौन शोषण हुआ है, अगर कोई उसकी पहचान को बाहर लाता है, लीक करता है, तो उसे भी सरकार ने एक एक्सक्लूसिव क्राइम की श्रेणी में जोड़ा है और जो व्यक्ति ये काम करेगा उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। हमने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन किए हैं मान्यवर। भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिलाओं और बच्चे के प्रति अपराध के हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन री नंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है।
18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है मान्यवर, उनको फांसी की सजा। बात करें मॉब लिंचिंग की तो ये एक नया क्राइम है जो इस बिल में जोड़ा गया है, और अगर कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा डेथ पेनल्टी हो सकती है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। हटाए गए प्रोविजंस की अगर बात करें तो सरकार ने सेडिशन को हटाया है, लेकिन इसके जैसा ही एक नया कानून इस बिल की सेक्शन 150 में जोड़ा है, पर यह कानून सेडिशन यानी राजद्रोह शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा अडल्ट्री और अटेम्प्ट टू सुसाइड को भी हटाया गया है। इसके अलावा एक नए तरह की सजा को भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति मानहानि करता है या शराब पीकर उपद्रव मचाता है या देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ मानहानिकारक काम करता है तो अब उसे जेल जाने से बच सकता है, क्योंकि नए कानून में कम्युनिटी सर्विस को एक दंडात्मक विकल्प के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि इन नए कानूनों में जल्द से जल्द सजा सुनाने और पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई खत्म करने के लिए भी कहा गया है। आपका क्या कहना है इस नए कानून के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।